आपने आवाज नहीं करी हुई है, बोलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बोलो। योर लाइव नाउ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वो आप बच्चे बोलेंगे नहीं मैम। ठीक है, यू स्टार्ट। ओके, आज ना बच्चों मैं आपको तीन तरह के पॉट बनाना सिखाऊंगी, ठीक है? तीन तरह के होंगे, इजी, फिर उससे थोड़ा सा टफ और फिर उससे थोड़ा और टफ, जिसे जो भी अच्छा लगे वो बना सकता है, ठीक है? और सारा कुछ जो भी है वो मैंने घर के वेस्ट से ही बनाया है, मार्केट से नहीं लेके आई हूँ, जो भी मेरे पास था मैंने वो ही अरेंज किया है। जैसे ये देखो, ये हमारी फॉइल होती है ना, ये देखो सबके घर में फॉइल पेपर होता है, ठीक है? ये फॉइल का देखो रोल है ना, जब फॉइल खत्म हो जाती है उसके बाद फिर हम इस रोल को यूज करते हैं वेस्ट में, ये भी वेस्ट ही है। तो उससे मैंने क्या किया है, मैंने ये एक पूरा का पूरा था, इसको मैंने हाफ कर लिया है, हाफ से भी एक मैंने हिस्सा जो है वो कम लिया है और एक मैंने हाफ से ज्यादा लिया है, ठीक है? और ये मैंने प्लास्टिक बॉटल जो आप कोक की लेते हैं, लिमका की लेते हैं, तो वो ये बॉटल है, उसको मैंने थोड़ा सा कट कर लिया है, छोटे वाला नीचे वाला मैंने पार्ट लिया है, ठीक है? अब मैं आपको बताऊंगी कि ये मेरा रेडी है। देखो मैंने इस पे वूल लपेटा हुआ है, आपके पास कोई थ्रेड है या कोई रस्सी है आप वो भी यूज कर सकते हो, ठीक है? तो मैं अभी आपको यहाँ पर ये लगाना सिखाऊंगी पहले कि आपने कैसे लगाना है इस वूल को। ये देखो ये मैंने वूल लिया है, आप कोई भी कलर की वूल ले सकते हो, मैंने रेड लिया है, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उसे यूज कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, आप इसे मल्टी कलर में भी कर सकते हो, जैसे मैंने तो पूरा रेड ही लिया है, लेकिन आप इसको 2-3 कलर जो भी आपके पास अवेलेबल है आप इसे कर सकते हो, आप इसमें अपनी क्रिएटिविटी शो कर सकते हो। अब मैं क्या करूंगी, मैं अब इसको लपेटना शुरू करूंगी। तो लपेटने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे से स्टार्ट करेंगे ऐसे, और ये देखो मैंने यहाँ पर हॉट ग्लू से, अगर हॉट ग्लू नहीं है आपके पास तो आप बेटा फेविकॉल का भी यूज कर सकते हो। ये देखिए मैंने इसको यहां से ऐसे बिल्कुल साथ साथ ही मैंने इसको पेस्ट करते जाना है, हमारा नीचे वाला जो पोर्शन है वो शो नहीं होना चाहिए, ठीक है? पूरे को आपने इस तरह से कवर कर देना है। आपको बार बार ग्लू लगाने की जरूरत नहीं है, हमने एक तो ये देखो ये मेरा कंप्लीट होने वाला है।
अब यहाँ पर हम इसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे ताकि ये खुले नहीं। और यहां से मैंने इसको कट कर दिया। अब इसकी यहां पर फिनिशिंग लाने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने ये घर में वैसे ही लेस पड़ी हुई थी, आपके भी जैसे कोई गिफ्ट पैकिंग आती है, आपके रबर बैंड होते हैं या आपके सुंदर सुंदर गर्ल्स के तो टॉप पे फ्लावर्स वगैरह भी होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर चीजें होती है जो आप वेस्ट में फेंक के रखते हो, तो उनको आप यूज करिए। ये देखो मेरे पास गिफ्ट पैकिंग आई थी तो उस पे लेस थी तो मैंने वो यूज किया है। तो आपने भी ऐसे ही करना है, जो भी आपको वेस्ट नजर आता है उसको आप कैसे रीयूज करते हैं वो मैं आज आपको बता रही हूँ। तो ये देखो ये मैंने यहाँ पर ये देखो इतना मेरा आ गया ये, तो मैं अब इसको यहां पर कट कर दूं। ये देखो ये मेरे दो रेडी हो गए हैं। अब मैंने क्या करना है, अब ये जो मैंने बॉटल ली थी कोक की तो उसको मैंने इतना काट कट कर लिया था और इसी तरह से मैंने इसके ऊपर भी वूल को पेस्ट कर दिया था। अब मैं इसके भी यहाँ पर थोड़ी सी लेस लगा दूंगी। क्या हुआ आशा? नेट नेट चला गया? नहीं आ गया। तू नाक में चुभ रहा है। मेरा थोड़ा ठीक कर मैडम का ना करो। ये मैंने तो सीडी लिए है लेकिन आप यहाँ पर कोई भी गत्ता भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि सबके पास सीडी हो। ठीक है आप कोई भी राउंड शेप या स्क्वायर शेप जो भी आपको अच्छा लगता है आप उस शेप में ले सकते हो। तो आपने क्या करना है इस सीढ़ी के ऊपर ही इसको असेंबल करना है। ठीक है तो मैं पहले इसको पेस्ट करूंगी। मैं इस सीढ़ी के ऊपर इस तरह से हॉट ग्लू लगा दूंगी ताकि मेरा ये अच्छे से इस पे पेस्ट हो जाए। पहले मैंने ये कोक से जो हमने बनाया है उसको मैंने पेस्ट करना है। इसको थोड़ा सा मैं दबा के रखूंगी, प्रेस करके रखूंगी ताकि ये अच्छे से पेस्ट हो जाए। इसी तरह से मैंने यहाँ पर बड़े वाले को जो हमने बनाया था फॉइल
की स्टिक से, ये देखो ये मैंने छोटे वाला भी असेंबल कर दिया है। ये हमारे तीनों असेंबल हो गए बहुत अच्छे से। अब हमने इसको डेकोरेट कर दिया, अभी हम इसको थोड़ा सा ड्राई होने देते हैं। अब मेरे तीनों बहुत अच्छे से असेंबल हो गए हैं। अब मैंने करना है इसको डेकोरेट। तो डेकोरेट करने के लिए मैं क्या करूंगी, आपके पास अगर कोई जैसे ऊन होती है बहुत सारे कलर की, आप उनकी कटिंग भी कर सकते हो या पॉम्पम लगा सकते हो, या जो भी आपके पास बटन्स वगैरह हैं फैंसी आप वो भी यूज कर सकते हो। मेरे पास ये थोड़ी सी ग्रास थी, आप बाहर से ग्रास को ड्राई करके भी इसमें लगा सकते हो। डेकोरेशन आपका जैसा मन है आप उसके हिसाब से कर सकते हो, जो भी आपके पास मटेरियल है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ये ग्लू लगाया है। और मैं इसको यहाँ पर ऐसे पेस्ट कर दूंगी, अच्छे से दबा दूंगी इसको ताकि ये यहाँ पर सुंदर लगे। अब ये जो हमारा यहाँ पर ये फालतू निकला है इसको हमने इस तरह से कट कर दिया, ये ताकि हमारी इसकी शेप खराब ना हो, ये राउंड ही आए। जहां पर भी हमें स्पेस दिखाई दे रहा है तो वहां पर हम इसको अच्छे से पेस्ट कर देंगे। ये देखो मेरा ये पेस्ट हो गया अच्छे से, मैंने जो एक्स्ट्रा इसको मैंने काट दिया है। मैंने ये पिस्ते के छिलकों से कुछ फ्लावर्स बनाए थे, ठीक है, ये मैं आपको फिर कभी बनाना सिखाऊंगी क्योंकि आज हमारा पॉट मेकिंग का है, इसलिए आज मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये मैंने पिस्ते के छिलके से फ्लावर्स बनाए हैं, ये छोटे बड़े साइज में, और अब हम आज इन्हें डेकोरेशन के लिए यूज करेंगे। अदरवाइज आपके जो भी मैंने बताया कि ड्रेसेस वगैरह में रोज के फ्लावर्स होते हैं और भी तरीके के फ्लावर्स होते हैं तो आप बेटा वो भी यूज कर सकते हो। ये देखो ये रोज के फ्लावर्स है, लेकिन मैं यूज नहीं करूंगी आपको, सिर्फ मैंने ये दिखाने के लिए दिखाए हैं कि आप इस तरह का भी मटेरियल यूज कर सकते हो। अब मैंने सबसे बड़े वाला फ्लावर यहाँ नीचे ऐसे पेस्ट किया है।
ये मेरे पास पॉम-पॉम है कुछ, मैं वो भी यूज कर रही हूँ यहाँ पर। आपके पास भी बेटा जो भी मटेरियल है आप उसे यूज कर सकते हो और अच्छे से बना सकते हो। ये देखो ठीक है, ये हमारा बेटा पॉट रेडी हो गया है। आप इसको और भी अच्छे से डेकोरेट कर सकते हो, ये देखो ठीक है। ये देखो मैं आपको सब तरफ से दिखा देती हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर आप ये देखो, मैंने ये कुछ नीम की स्टिक्स हैं, ठीक है, ये कभी खराब भी नहीं होंगी, और इन स्टिक्स को मैंने पेंट कर दिया है। ये देखो इनको मैंने यहां से कट किया और इस तरह से मैंने इनके ऊपर पेंट कर दिया है। और आप अगर आपके पास फ्लावर्स नहीं है तो आप इस तरह से भी असेंबल कर सकते हो, और इसके अंदर आप कहीं कहीं पर, मेरे पास ये पॉम पॉम है, आप इसमें फ्लावर्स बना के लगा सकते हो। कहीं पे भी इसमें रैंडमली किसी भी कलर का अगर आप हॉट ग्लू से यूज करोगे तो बेटा आपका एक साथ चिपक जाएगा, जल्दी हो जाएगा, लेकिन अगर आपने फेविकॉल यूज करना है तो आपको ओवरनाइट इसको करके रखना पड़ेगा ताकि वो अच्छे से, ये देखो ये आपका इस तरह से ठीक है। आप, मैंने अभी इतने लगाए हैं, आप इसमें और भी ज्यादा लगा सकते हैं, ठीक है। एक हमारी आइटम ये रेडी हुई। आप इसमें कुछ और तरह के भी फ्लावर्स लगा सकते हो, पेपर फ्लावर बना के लगा सकते हो, बहुत टाइप के मैंने आप लोगों को सिखाए भी हुए हैं, ठीक है। ये तो हो गई हमारी एक आइटम, ठीक है। अभी हमारी, अब हम सेकेंड वाली स्टार्ट करते हैं। सेकेंड में मैं बनाना सिखाऊंगी आपको इस तरह का पॉट, ठीक है, जो मैंने पीवीसी पाइप से बनाया है। आपके घर में वेस्ट पड़ा हो या कोई और, जैसे हमारे पास होती है फिल्टर की रॉड होती है, आप उससे भी बना सकते हो, ठीक है। ये देखो ये बहुत मजबूत है, ये कहीं नहीं हिलने वाला। आप इसकी टेबल भी बना सकते हो। हमारे घर में जो ये आती है ना फ्रूट्स की पैकिंग जो आती है, उसमें स्क्वायर भी होता है, गत्ता होता है बहुत मोटा, और राउंड शेप में भी आता है, बहुत शेप्स में आते हैं। तो आप इस तरह से बना के उसके ऊपर यहाँ पर उसको असेंबल करके और सीमेंट उसमें लगा के आप वो एक टेबल भी बना सकते हो, कॉर्नर टेबल जो बनती है, ठीक है। मैंने बस ये पॉट बनाया है, आप इसमें और भी मैंने बता दिया है आपको कि और कितने वेज से आप यूज कर सकते हो। तो मैंने आपको सिखाने के लिए लिया है ये छोटा पीवीसी पाइप लिया है, और छोटा सा ये बोरी का टुकड़ा है, जूट का टुकड़ा, ठीक है। ये भी सबके पास अवेलेबल होता है, और ये मैंने लीड ली है। आप अगर लीड भी नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, आप इसको यहाँ पर कोई भी मोटा सा गत्ता लगा सकते हो, और गत्ता लगा के आप इसको ऐसे प्रेस कर लेना, प्रेस करके पेस्ट कर लेना, मतलब अच्छे से, ठीक है। और जब आप पेस्ट कर लोगे तो आपका ये बेस बन जाएगा, और ये बोरी का टुकड़ा आप पेस्ट करोगे इसके साथ में। सबसे पहले आपने बोरी का टुकड़ा इसके साथ ऐसे पेस्ट करना है, ठीक
ठीक है, तो मैं कैसे करूंगी अब देखो जरा। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर होल्ड करके रखूंगी। मैं इसको यहां से बिल्कुल टाइट ऐसे करके, ताकि इसमें जरा भी गैप ना रहे, बिल्कुल टाइट करके इसको यहां पर पेस्ट कर दूंगी हॉट ग्लू से। ये देखो, ये मैंने टाइट करके इसको पेस्ट कर दिया है अच्छे से। अब ये अच्छे से मेरा पेस्ट हो गया है। अब मैंने वाइट सीमेंट लिया है, आप इसमें वाइट सीमेंट ले सकते हो, वॉल पुट्टी ले सकते हो। पीओपी यूज नहीं करना है, क्योंकि पीओपी जो है बेटा वो बहुत जल्दी थिक हो जाता है, आप लोग इतनी जल्दी कर नहीं पाओगे। ठीक है, वो बहुत ही जल्दी एकदम जैसे ही आप उसमें पानी डालते जाओगे वो साथ साथ ही जमता चला जाएगा, तो इसलिए हम वाइट सीमेंट को यूज करते हैं। तो वाइट सीमेंट में मैंने थोड़ा सा फेविकॉल डालना है, लगभग 1 स्पून। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी मिक्स करूंगी। इसको हमने थोड़ा सा लिक्विड ही रखना है, ज्यादा थिक नहीं बनाना है पेस्ट, क्योंकि हमें बोरी के जो टेक्सचर है उसको भी शो करना है, तो इसलिए हम थोड़ा सा लिक्विड ही बनाएंगे। मैं अभी जरा आपको घोल के बता देती हूँ कि हमें कितनी फॉर्म में चाहिए। ये देखो, इसको हमने लिक्विड ही बनाना है। ये देखो, इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए आपके, इसको अच्छे से आपने और ये करने के बाद ये आपको पूरा का पूरा रात भर या 24 घंटे आपने, ये देखो, ये आपका, ये देखो अभी लम्स है मेरे में, इसलिए ये स्मूथ नहीं चल रहा है। तो मैं इसको अच्छे से ये देखो बेटा, ये मेरा बन गया है। अब मैंने ये लिड लिया है, मैं लिड के ऊपर इसको रख रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने इसके अंदर लिड पे ही इस तरह से इसको डाल देना है। ठीक है, ये देखो मैंने लिड में डाल दिया है। अब मैं हाथ पे ऐसे लूंगी, आप ग्लव्स भी लगा सकते हो, और इसको अच्छे से इसके अंदर भर दोगे ऐसे। ये
ऐसे करके इसको अच्छे से आपने फिल कर देना है, बहुत ही अच्छे से। ये सारा का सारा ये जो जूट है इसमें बोरी का टुकड़ा है, ये आपका पूरा का पूरा अपने में एब्जॉर्ब कर लेगा। और इसको हमने 24 आवर्स तक रखना है। हाँ कलर भी कर सकते हैं, इस तरह से हमने इसको इस तरह से पूरा ऐसे व्हाइट व्हाइट पूरे उसमें करके सीमेंट से अच्छे से इसको पूरे को कवर करना है बेटा इस व्हाइट सीमेंट से इसको। और ये आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये जो व्हाइट वाला स्पेस देख रहे हो ये इस तरह का हो जाएगा, लेकिन आपने इसको 24 आवर्स के बाद ही टच करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये गोल्डन पेंट किया है, ठीक है। ये मैंने पहले गोल्डन पेंट किया है, उसके बाद अब मैं आपको पेंट करके दिखाती हूँ कि ये गोल्डन पेंट के बाद ये मैंने ब्लैक पेंट किया है। पहले मैंने गोल्डन पेंट किया है यहाँ पर, लेकिन इसको भी ड्राई होने देना है। गोल्डन पेंट करके आपने इसको छोड़ देना है कम से कम 5-6 घंटे के लिए, ताकि वो जो पेंट है आपका अच्छे से सूख जाए, ड्राई हो जाए। सूखने के बाद फिर हमने ब्लैक कलर का पेंट किया है, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि हम कैसे करेंगे। क्योंकि गोल्डन तो जो है आपने ये आपका हो गया जो मैंने आपको बताया है कि सूखने के बाद आपका वो ऐसे हो जाएगा, अच्छा ठीक हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। और उसके बाद मैंने गोल्डन पेंट किया, ये ड्राई हो गया। अब मैं इसके ऊपर आपको ब्लैक पेंट करके बताऊंगी कि हमने कौन सी टेक्निक से इस तरह का टेक्स्चर लेना है, ठीक है। इसके लिए हमें रफ कपड़ा भी रखना है, क्योंकि हमें ब्लैक पेंट करने के बाद एकदम से उसको हमने पोंछ भी देना है, ठीक है। ग्रास ना हो तो कुछ भी, जो भी आपके पास अवेलेबल है, ऊन आप यूज कर सकते हो कटिंग करके। ये देखो, कोशिश ये करनी है कि इसके जो बोरी के जो हमें जो छेद इसमें नजर आ रहे हैं उनको हमने फिल करना है, क्योंकि जो हमारा ब्लैक पेंट है वो इसके अंदर ही रहेगा। ये दिख रहा है सबको, अभी मैंने इतना ही किया है। अब मैं क्या करूंगी, ये गीला गीला ही है, हमने गीले सूखने नहीं देना है इसको, ब्लैक पेंट को गीले के ऊपर ही हमने इस तरह से पहले ऐसे लंबाई में कपड़े को ऐसे करके पूरा कलर हमने पोंछ देना है, क्योंकि जो इसके छेद थे उनमें ब्लैक कलर भर जाएगा। और फिर उसको इस तरह से हमने इस तरह से भी पोंछ देना है। ये देख, ये आपका इस तरह से कलर आ जाएगा, ठीक है। ये देखो,
ये हमारी टू आइटम्स रेडी हो गई हैं। अब हमने थर्ड आइटम शुरू करनी है। थर्ड आइटम है हमारी ये हम घर के अंदर जो छोटे छोटे प्लांट्स लगाते हैं, ये उनके लिए मैंने पॉट बनाया। इसको आप किसी भी शेप में बना सकते हो, जैसे मैंने ये लेटा हुआ बनाया है और सेकंड मैंने ये बैठा हुआ बनाया है, ये देखो। ठीक है, अभी हमने इसको करना है, ये कंप्लीट है, बस ये विदाउट कलर है अभी। ठीक है, इसमें हमने अभी रेगमाल लगा के कलर भी करना है, लेकिन अभी मैं आपको इसे बनाना बताऊंगी कि हमने बनाना कैसे है। ठीक है, ये कोई भी बॉटल ले लीजिए आप। ठीक है, कैंपा की, कोक की बॉटल ले लीजिए या लिम्का की, कोई भी बेटा प्लास्टिक बॉटल आप ले लीजिए। ठीक है, उसको हमने यहां से कट करना है, इतना पोर्शन लेना है ना बस हमने इतना। ठीक है, ये मैंने यहां पर कट कर लिया है, ये इतना मैंने पोर्शन लिया है। इसमें मैंने क्या किया है, यहाँ टू साइड मैंने इसमें छेद बनाए हैं ताकि हम अपनी वायर को इधर से इधर ले जा सके, और इसके लिड में भी मैंने छेद किया है। इसमें हमने तीन छेद करने हैं, ये बिल्कुल अपोजिट साइड दो और एक इसमें लिड में। ठीक है, अब हम इसके लिए हमें वायर चाहिए होती है, तो मैंने ये थोड़ी सी वायर ली है। तो अभी आप देखो जरा, ये मैंने, मेरे पास पतली वाली वायर थी तो मैंने ये दो को असेंबल किया है। आपके पास अगर मोटी वायर है तो आप एक वायर ले सकते हैं। ठीक है, लगभग 7 to 8 inch आपने वायर लेनी है। ठीक है, 7 to 8 inch। ठीक है, अब देखो मैं इसमें कैसे डालूंगी। सबसे पहले मैंने इसको बिल्कुल इस तरह से हाफ ऐसे मोड़ दिया है, ये इस तरह से। ठीक है, और ये मैंने लिड के अंदर से इस तरह से निकाल दिया है। ठीक है, ये मैंने लिड के अंदर से, ये देखो मैं दोबारा दिखा देती हूँ, लिड के अंदर वाली साइड से डालना है, इधर वाली साइड से नहीं। तो लिड के अंदर से मैंने इसको ऐसे डाल दिया है, ये देखो। अब मैंने क्या करना है, मैंने अब ये जो अपोजिट साइड टू मैंने ये बनाए थे छेद, अब मैं इनको आर पार तब लेके जाऊंगी, पहले मुझे इसको भी यहां पर ऐसे लेना है, ऐसे ये बंद कर देना है और इसके अंदर से ही मुझे ये वायर लेनी है, ये देखो, ताकि ये हैंग हो जाए। दिख रहा है, ये देखो, मैं एक बार आपको बाहर करके दिखा देती हूँ। ये देखो, ये हमने लिड के अंदर जो वायर ली थी, इसके अंदर से हमने ऐसे करके इसको डालना है। ठीक है, अब हमने इसको बॉटल के अंदर डालना है, ये मैंने ऐसे डाल दिया है। ठीक
ये देखो मेरी ये दोनों साइड से बाहर आ गई है, ठीक है, दिख रहा है सबको? ये देखो ये मैंने हैंड्स बना दिए ना, ये देखो। अब मुझे बनानी है लेग्स, तो मैं लेग्स के लिए क्या करूंगी, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके मोड़ दूंगी ऐसे, ये देखो दिख रहा है, उसको मैंने मोड़ दिया है। तो ये मेरी ये लेग्स के लिए मैंने यहां पर ऐसे करके ये निकाल दी, ये। अब इसमें हमने करना है फॉइल का यूज, और जिनके पास फॉइल नहीं है वो बच्चे क्या करेंगे, वो व्हाइट सीमेंट के अंदर कोई भी कॉटन का कपड़ा लेंगे पतले वाला, और उसको पतले पतले जैसे मैंने अभी करके दिखाया था, बिल्कुल थिन था फेविकोल और व्हाइट सीमेंट मिक्स होके, तो आपने वैसे ही पतला पतला करके उसके अंदर कॉटन के जो आपने क्लोथ लिया है उसकी छोटी छोटी सी स्ट्रिप्स बना लेंगे, ठीक है। वो स्ट्रिप्स बनाकर इन वायर के ऊपर आप लपेटेंगे। मैं अभी फॉइल लपेटती हूँ, आपने कैसे करना है। आपने छोटे छोटे पीसेस लेने हैं फॉइल के ना ऐसे, ये, और इसको हमने इस तरह से कर लेना है ऐसे। इस लिड को मैंने यहाँ पे ऐसे टाइट कर लिया अच्छे से, ये देखो। अब हमने इसको ऐसे अच्छे से लपेटते जाना, ऐसी तरह से छोटे छोटे से पीसेस लेते जाएंगे। और इसको पूरे को हमने कवर कर लेना, जितनी भी वायर है ये सारी, इसको हमने पूरे को अच्छे से कवर कर लेना। हमने इस लेट वाले पार्ट को बेटा थोड़ा मोटा रखना है, अब मैंने टांगों को भी ये जो हमने इसकी लेग्स बनाई है उसको ये इस तरह से मैं फॉइल को लाऊंगी बीच से निकाल के, ताकि अच्छे से मजबूत हो जाए। हमने स्पेस बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इसको अच्छे से हमने दबाते जाना, ठीक है। ये देखो अभी ये बॉडी बनाई है हमने, इसी तरह से हमने पूरा फॉइल इस लेग्स पे और हैंड पे भी कवर करना है, ठीक है। मैं आपको अभी एक लैग करके बता देती हूँ, मैंने बता दी है। इसकी जगह हम फॉइल नहीं है तो हम व्हाइट सीमेंट लेंगे और उसमें थोड़ा सा फेविकोल डालेंगे और छोटे छोटे कॉटन के इसी तरह से पट्टियां बनाएंगे और इसको ऐसे लपेट देंगे ये। ठीक है, इसी तरह से आपने पूरी की पूरी इस पर फॉइल लपेट लेनी है। फिर वो आपकी चॉइस है कि आपको इसे कैसे बनाना है, आपने इसको बैठा हुआ बनाना है,
या खड़े हुए बनाना है या पॉट को ऐसे टच करते हुए बनाना है, आप देख लीजिए, आप इसको अपने आप शेप दे सकते हो। जैसे मैंने ये लेटा हुआ बनाया है, इसको मैंने बैठा हुआ बनाया है, आप इसको रन करते हुए भी बना सकते हो, जैसी आपकी चॉइस है आप इसको बना सकते हो। ठीक है, ये आपका बेस हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये मैंने पूरी फॉइल लपेटने के बाद में लिक्विड व्हाइट सीमेंट करके उसमें थोड़ा फेविकोल डाल के वैसे ही पहले वॉश किया था इसको, जैसे हम पहले बेस बना देते हैं ना बिल्कुल पानी पानी करके, तो ये थिक हो गया है। अब मैं जब इसके ऊपर अब कोटिंग करूंगी तो वो इसके ऊपर अच्छे से असेंबल हो जाएगी, नहीं तो क्या होता है जो फॉइल होती है हम अगर डायरेक्ट कोटिंग करते हैं तो फॉइल बीच से थोड़ा सा फोकी होती है, वो चिपकता नहीं है, वो पूरा का पूरा बाहर आना शुरू हो जाता है, पपड़ियां बन के निकल जाता है। जैसे हमारा थिक है तो अब ये जैसे मर्जी आप इसे करो, ये मजबूत बना हुआ है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए मुझे किस तरह से तैयार करना है। इसका थोड़ा सा थिक बेस बनता है बेटा। इसमें हमने क्या करना है, ये थोड़ा सा थिक होगा, आपने ज्यादा लेना है, मैंने सिर्फ सैंपल के लिए थोड़ा सा लिया है व्हाइट सीमेंट। और जिनके पास व्हाइट सीमेंट नहीं है वो बच्चे क्या करेंगे, वो बच्चे मैदा ले सकते हैं, इसमें कॉर्नफ्लोर ले सकते हैं। मैदा लेके मैदा को आपने फेविकॉल लेना है और उसके अंदर थोड़ा सा बेबी ऑयल या कोई और ऑयल जो भी आपके पास है आप वो यूज कर सकते हो, थोड़ा सा 1 चम्मच ऑयल वो डाल लेंगे तो आपका ये बहुत अच्छे से क्ले बन जाएगा। मैंने पहले फेविकोल को ही इसके साथ मिक्स कर लेना है बहुत अच्छे से। आप मैदा भी यूज कर सकते हो, मैदा से भी बहुत अच्छी क्ले बन जाती है। आप चाहो तो इसमें थोड़ा पानी मिक्स कर सकते हो, नहीं तो आप पूरा फेविकोल के अंदर और थोड़ा सा ऑयल मिलाकर भी इस क्ले को, अगर फेविकोल और थोड़ा सा ऑयल मिलाते हो आप 1 स्पून और मैदा बनाते हो, मैदा से बनाते हो, तो बेटा आपकी 5 से 6 महीने भी वो क्ले आप अच्छे से उसको प्रिजर्व करके रख सकते हो। क्योंकि सीमेंट वाली जो है वो नहीं चलती है, सीमेंट वाली तो उसी टाइम जो है सूख जाती है, मैदा वाली को आप प्रिजर्व करके रख सकते हो बस। ये देखो, ये मेरा मैंने ऐसे घोलना है और इसको टाइट बनाना है हमने, ये देखो ऐसे, ये बिल्कुल टाइट होगा, आपने लिक्विड नहीं रखना है इसको। जितना मम्मी आटा बनाती है ना उससे भी थोड़ा सा टाइट। ये देखो, ये मेरा भी डो तैयार हो गया है, ये देखो बिल्कुल आटे जैसा हो गया है ना ये। ये देखो, ये बहुत अच्छा हो गया है, देखो अगर इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे तो और भी ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने ऑयल ज्यादा यूज उसी में करना है जो बच्चे मैदा का बनाएंगे, व्हाइट सीमेंट वाले में ऑयल की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारा साथ साथ हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इसका क्या करना है, पतली पतली सी ऐसे लेयर बनानी है और इसको हमने ऐसे यहाँ पर पेस्ट करते जाना है ऐसे, बस अब इसके हम ऊपर हमने ऐसे कवर करके चढ़ाना है इसको। ये देखो, ये देखो,
इसको मैं ऐसे फैलाती जाऊंगी। इसको लूज नहीं छोड़ना है, लूज छोड़ोगे तो वहीं से बेटा क्रैक आ जाएंगे। इस तरह से आपने पूरी बॉडी को कवर कर लेना है। सेवेंथ क्लास के बच्चों को, एट्थ क्लास के बच्चों को मैंने वर्ली आर्ट भी सिखाया है, तो वो बच्चे यहाँ पर इसके ऊपर वर्ली पेंटिंग भी कर सकते हैं। इस तरह से आपने इसको कवर करते जाना है। ये पूरा जब कवर कर लोगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है? इस तरह से आपने कवर करना है इसको और पूरा इस तरह से कवर कर लोगे इसको। अब इसके बाद हमने इसमें एक रेगमाल यूज करना है। इसको बनाओ, मैं कुछ दे दो। अब ये मेरा ना यहाँ से रफ है ये, ठीक है? तो मुझे इसे स्मूथ करना है, तो स्मूथ करने के लिए मैं क्या करूंगी, मैंने ये रेगमाल लिया है, ठीक है? अब मैं इसको छोटा सा पीस ले लूंगी इससे ऐसे। मुझे और भी छोटा चाहिए क्योंकि मेरी आइटम छोटी है। तो मैंने क्या करना है, अब इसको इस तरह से खूब अच्छे से ऐसे जो इसका वेस्ट है ना, तो वो सारा का सारा निकल जाएगा और ये स्मूथ हो जाएगा। ये बिल्कुल चिकना हो जाएगा रेगमाल लगते ही ना। वैसे तो ये एक ही कलर में सुंदर लगते हैं, या तो इसे पूरा व्हाइट कर लीजिए या पूरा ब्लैक कर लीजिए या कोई और कलर जो आपको ज्यादा अच्छे लगते हैं। आप इसमें फैब्रिक कलर भी यूज कर सकते हो, बस एक पोस्टर कलर आपने यूज नहीं करने किसी ने भी, ठीक है? फैब्रिक कलर यूज कर सकते हो, एक्रिलिक कलर यूज कर सकते हो, जो हम पेंटिंग के लिए यूज करते हैं जो ट्यूब कलर्स आते हैं वो आप यूज कर सकते हो, लेकिन बस पोस्टर कलर आपने यूज नहीं करने। इसको इस तरह से पूरा का पूरा आपने स्मूथ बना लेना। बिल्कुल ये देखो यहाँ से बिल्कुल चिकना हो गया ही। जहां से भी हमें फालतू पोर्शन दिखाई देता है, थोड़ा सा उबड़ खाबड़ नजर आता है, तो वहां पर हम रेगमाल का इस्तेमाल करते हैं और उसको बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है? अभी इसको बहुत जरूरत है फिनिशिंग के लिए, अभी इसमें टाइम लगेगा तो इसलिए अभी मैं इसको कलर करना नहीं बताऊंगी। कलर करना आपको पता ही है इसमें बेटा, सारे में एक कलर होगा। कलर मैंने आपको बता दिए कि कौन से आपने कलर करने हैं, ठीक है? अब जो भी आपको पसंद आया हो आप बनाइए और अपने घर में डेकोरेटिव पीस रखिए। इसके अंदर आप मनी प्लांट लगाओगे तो घर के अंदर भी ये बहुत सुंदर लगेगा, और भी जो छोटे छोटे प्लांट्स आते हैं जो टेरेनियम के लिए लगाए जाते हैं वो भी आप इसके अंदर लगा सकते हो। इसमें पानी डाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी सी मिट्टी डाल के भी लगाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे प्लांट्स ऐसे आते हैं जो हमारे बहुत ही कम सॉइल में चल जाते हैं, ठीक है? सिंपल जो ये मॉस घास और ग्रास होती है वो भी आप इसके अंदर डाल के कोई भी प्लांट लगा सकते हो, जो इंडोर प्लांट्स होते हैं छोटे वाले। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा आज का। और कमेंट करके प्लीज मुझे बता दीजिए आपको कैसा लगा। और नेक्स्ट हमारी 29th को है, उस दिन मैंने आपको पेंटिंग सिखानी है। उसमें आपका फैब्रिक पेंटिंग होगा, फ्री हैंड पेंटिंग होगा, और मैं सोच रही हूँ कि ब्लॉक पेंटिंग भी मैं आपको करा दूंगी उसमें। इसको आप कलर कर सकते हो, आपके पास जो भी कलर है, बस एक पोस्टर कलर नहीं करना है। वैसे ये व्हाइट और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में बहुत सुंदर लगते हैं। अगर आप दो तीन इसको बना के अपने कैबिनेट वगैरह पे रखते हो तो ये बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। स्टील वायर भी यूज कर सकते हो? हाँ, कुछ भी।
स्टील वायर वायर थी। स्टील वायर भी आप यूज कर सकते हो, मैंने आपको बताया था बेटा स्टार्टिंग में ही कि मेरे पास ये अवेलेबल है, तो मेरे पास पतली वायर थी तो मैंने उन दो को यूज किया था, दो का एक बनाया था। आपके पास अगर मोटी वायर है तो आप मोटी वायर को सिंगल ही यूज करेंगे। अब हमने जो तीन आइटम्स बनाई है आज, मैंने आपको मैं दोबारा से दिखा देती हूँ। एक हमारी आइटम ये है, एक हमारा ये है और एक ये है। तीनों ही चीजें आपके लिए बहुत यूजफुल हैं और घर के वेस्ट से बनी है। इसमें आपको बाहर से कुछ नहीं लाना, मैदा भी सबके घर में होता है, बट एक वाइट सीमेंट है जो पॉट के लिए चाहिए। ठीक है, जो इंटरेस्टेड हो तो वो वाइट सीमेंट जरूर मंगा के काम करें जिसे पॉट बनाना है, बाकी आपके सारे काम घर के अंदर जो मटेरियल है उससे हो सकता है। इसको आप पिस्ते के छिलके से भी डेकोरेट कर सकते हो, मूंगफली के छिलके से भी डेकोरेट कर सकते हो, इसमें आप चावल भी लगा सकते हो, फेविकॉल लगा के इसके ऊपर आप चावल लगा लीजिए। ठीक है, दालें भी जो भी आपको लगे, मेरे बच्चे क्रिएटिव है मुझे पता है ये कर लेते हैं। ठीक है, और वर्ली आर्ट इस पे करोगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। ठीक है, आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताना ताकि जो अगली क्लास हो वो और भी ज्यादा अच्छे से जाए, मुझे भी अच्छा लगे कि मेरे बच्चों को पसंद आया। थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स। और ज्यादा से ज्यादा बच्चे सीखें, पेंटिंग क्लास होगी वो बहुत अच्छी होगी। ठीक है, उसमें आपको बहुत सारी ट्रिक्स मैं बताऊंगी, तो जो भी मिस कर देगा फिर दोबारा नहीं होगा समर कैंप ना, दोबारा तो फिर आप बाद में ही होगा नेक्स्ट ईयर ही। तो इसमें अलग अलग तरीके की ट्रिक्स होंगी, आपने ब्रश कैसे यूज करना है वो मैं आपको सिखाऊंगी। तो अब आप देख लो, मिस मत करना बेटा नेक्स्ट क्लास। भूलना हो उसमें तो क्या कर सकते हैं, इसमें आप कलर कर सकते हो भूलना हो तो, नहीं तो आप के पास इसमें व्हाइट सीमेंट आप यूज करके उसको भी स्टिक से आप कर सकते हो। और ग्रीन ग्रास ना हो तो कोई बात नहीं, घर के बाहर आपके पास ग्रास होती है ना, एक जो कुछ बच्चों के घर में पाम ये लगे होते हैं, एरिका पाम लगा होता है, चाइना पाम लगा होता है, उसकी लीव्स हम लोग कट करके डाल देते हैं बाहर। ठीक है, उनकी लीव्स को भी आप कलर करके यूज कर सकते हो। बहुत तरीके के प्लांट होते हैं जिनकी लीव्स हार्ड रहती है, न्यूज़पेपर की कटिंग भी आप लगा सकते हो अगर कलरफुल है तो। नहीं, वो जो प्लांट होते हैं ना हमारे पास वो बड़े अच्छे सोर्स होते हैं डेकोरेशन के लिए। ठीक है, उनके ऊपर आप उन्हें ड्राई करिए, पहले उन्हें सुखा लीजिए अच्छे से। ये जो पाम ट्रीज होते हैं हमारे पास, तो उनको आप जब सुखाओगे, आपने देखा होगा बुकेज में भी वही लगी होती है लीफ, देखे ना बुकेज, तो बुकेज में भी वही लगाते हैं लीफ कटिंग करके ड्राई करके, और उसको आप कलर कर लेते हैं, वो लोग स्प्रे पेंट कर लेते हैं। स्प्रे भी नहीं करना तो आप गोल्डन या सिल्वर कलर का उसको कर लीजिए, और जैसे मैंने यहाँ पे स्टिक लगाई आप यहाँ पर लगा लीजिए और बीच में दो तीन फ्लावर्स डाल दीजिए, देखो आपका कितना सुंदर बनता है। ठीक है, और कुछ पूछना है? रंगोली कलर्स भी यूज कर सकते? नो, रंगोली कलर अगर आपके पास मार्बल वाले हैं, डस्ट वाले हैं, वो आप यूज कर सकते हो, लेकिन जो बुरादे वाले हैं तो वो फिर बाद में ना, उस टाइम तो ठीक लगते हैं लेकिन बाद में वो अपने आप ही ना झड़ना शुरू हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। आपने वो मार्बल वाला ही यूज करना है जो रेत की तरह आता है, वो भी जो मोटे वाला आता है। इसमें आप सूजी यूज कर सकते हो, इसके ऊपर आपने फेविकॉल लगा के सूजी लगा लीजिए और उसके बाद उसको कलर कर लीजिए, वो भी बहुत सुंदर टेक्सचर आएगा इस वाले के ऊपर। इस पे आप चावल भी ऐसी तरह से पेस्ट कर सकते हो, सूजी भी कर सकते हो, दलिया भी कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे होते हैं तो जब आप कलर करोगे तो उसका टेक्सचर अलग आएगा। अब आप बेटा हम सेशन एंड कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।